हूं, मैं जब कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूं तो पूरे देश में चर्चा चल रही है कि मोदी जी कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। क्या बात है भाई, ये लोकतंत्र है क्या? देश में लोकतंत्र में आलोचना नहीं होगी? बुरा मान गए। और कल तो कांग्रेस के एक मंत्री महोदय ने बयान दे दिया है, मैं आज गुवाहाटी की सभा में उसका जवाब देना चाहता हूं। और इलेक्शन कमीशन को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि कल जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने, मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उसको सुओ मोटो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी निष्पक्षता पुरवार करे, मेरा आग्रह है भाइयों बहनों, कल कांग्रेस के एक मंत्री जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े विद्वान एडवोकेट हैं, मैडम सोनिया जी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि मोदी कांग्रेस की आलोचना बंद करे वरना मोदी जेल जाने के दिन आ रहे हैं, जेल जाने की गिनती करो, ये बयान दिया है। मैं कांग्रेस की पूरी सल्तनत को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितनी जेलें हैं दरवाजे खोल के रखो, मोदी तैयार है। कांग्रेस के मित्रों, ये रॉन्ग नंबर लगाया आप लोगों ने, ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं आलोचना करूंगा तो जेल में बंद कर दोगे? मेरा आता पता आपको मालूम है, मैं गुवाहाटी की जनसभा में हूं, यहां कांग्रेस की सल्तनत है, हिम्मत है तो हाथ हड़ाओ, लगाओ हाथ मुझे, क्या बात है सुना रहे? हम मौत को मुट्ठी में लेके घूमने वाले लोग हैं, डरना हमारे डिक्शनरी में नहीं है दोस्तों। हम भारत के संविधान की इज्जत करने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान को समर्पित लोग हैं। अनाप शनाप भाषा बोली जा रही है और हमें धमकियां दी जा रही है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में धमकी भाषा नहीं चलती है। और मैं फिर कहता हूं, अगर कांग्रेस की दिल्ली की सल्तनत में दम हो, उठा लो मोदी को, तैयार हूं मैं।